पर्टिकुलर वीडियो में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से रिलेटेड जो भी इशूज है उसको डील कर लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस है उसको भी देखेंगे, और फिर उसके बाद एक इस एंगल से देख लेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इस एक्ट के क्या क्या हैं, और फिर इसमें क्या क्या इशूज आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो जो सेक्शंस है, तो ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। तो इसमें जो जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका जो चैप्टर 2 है रिजर्व फॉरेस्ट का है, आपका फिर चैप्टर 3 विलेज फॉरेस्ट का है, चैप्टर 4 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का है, उसके अलावा आपका ये चैप्टर 5 एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर 6 भी नहीं। आपका यहाँ पे चैप्टर 7 इम्पोर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे चैप्टर 9 इम्पोर्टेंट है, जो पेनल्टीज प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट बेल या फिर कंपाउंडिंग ये सबसे रिलेटेड है। उसके बाद जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है वो भी अभी भी अप्लीकेबल है, उसको हटाया नहीं किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं, यहाँ पे जो रूल्स या इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स बना सकते थे, लेकिन इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे जो रूल्स बनाने का पावर है वो आपका 72 के तहत भी स्टेट गवर्नमेंट का पावर, 76 के तहत भी है, उसके अलावा 41, 42 के तहत है, 32 के तहत है, तो बहुत सारे पावर्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाती इस एक्ट के तहत। उसके अलावा अब चूंकि फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, तो बहुत सारे स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर एक्ट को अपने स्टेट के लिए अमेंड कर लिया और प्रेसिडेंट के असेंट को ले लिया है। तो अब इस पर्टिकुलर एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी फॉरेस्ट अगर नोटिफाई होता है, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट के तरह हो चाहे वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के तहत हो, तो वो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही होता है। तो जैसे आपका जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका अगर नोटिफिकेशन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में होता है सेक्शन 4 के तहत, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, फाइनली जाके आपका नोटिफिकेशन होता है सेक्शन 20 के तहत, तो रिजर्व फॉरेस्ट बन गया। उसके बाद अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात की जाए, तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो होता है ये 29-30 के तहत होता है, 28 जो होता है वो होता है विलेज फॉरेस्ट का। तो यह नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो होगा वो इसी एक्ट के तहत होगा। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि अब डेफिनेशन अगर देखें, तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या था कि ब्रिटिशर्स के जमाने में वो फॉरेस्ट रिजर्व होते थे, वो वहां एंट्री किसी के अलाउड नहीं होती थी। अब रिजर्व करके क्यों रखते थे, क्योंकि वहां का टिम्बर बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स रिजर्व के तौर पे किसी चीज के लिए यूज कर पाए, तो मेनली वो लोग रेलवे स्लीपर्स और रेलवे के लिए यूज किया जाता था, तो वहां पे एंट्री किसी के अलाउड नहीं थी, तो सो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि वहाँ एंट्री अलाउड थी, लेकिन हाँ अब जब एंट्री अलाउड है तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देना होगा उन फॉरेस्ट को, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो प्रोटेक्शन देना होता था फ्रॉम फायर या फ्रॉम इंक्रोचमेंट, फ्रॉम इलिसिट फिलिंग, तो ये सबसे। अब बाद में धीरे धीरे इसका जो डेफिनेशन, जो अब लेमेन डेफिनेशन होता है कि वेयर एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, तो रिजर्व फॉरेस्ट है, वेयर एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये लीगल डेफिनेशन नहीं है, बस ये आमतौर पर प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। उसके अलावा ये तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया। उसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट फीचर जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट करके आपको दिया है, तो ये नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्टर्स एक्ट के तहत हुआ, रिजर्व प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट तीन कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट है, और डिफरेंस क्या हुआ तो आपको यहाँ पे बता दू, यहाँ पे सब कुछ प्रोहिबिटेड होता है जब तक परमिट ना किया जाए, यहाँ पे सब कुछ परमिटेड होता है जब तक प्रोहिबिट ना किया जाए। और विलेज फॉरेस्ट क्या होता है, विलेज फॉरेस्ट भी एक तरह का रिजर्व फॉरेस्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट में जो रेगुलेशन का या फिर जो ओवरऑल रूल मेकिंग जो पावर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, वो अपनी पावर डेलीगेट कर देता है विलेज कम्युनिटीज को स्टेट गवर्नमेंट, तो वैसे रिजर्व फॉरेस्ट को विलेज फॉरेस्ट कहने लगते हैं। लेकिन हालांकि किस तरह से मैनेज करेंगे विलेज कम्युनिटीज उस विलेज फॉरेस्ट को, तो उसके तहत रूल्स भी बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो विलेज फॉरेस्ट इज एक्चुअली डार्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन विच द विलेज कम्युनिटीज गवर्न द फॉरेस्ट एज पर द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस डील किए गए हैं, जैसे एक सेक्शन 26 है इस पर्टिकुलर एक्ट का कि आप कुछ भी ऑफेंस करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में तो इस सेक्शन के तहत बुक किया जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को देख लेंगे। और अगर आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ ऑफेंस करते हैं तो सेक्शन 32-33 के तहत डील किया जाता है। तो इसमें ऑफेंसेस क्या आता है कि आप जंगल में जाके आग लगा देंगे, जंगल को काट देंगे, जंगल में जाके आप इंक्रोचमेंट कर लेंगे, तो ये सब यहाँ पे डील किया जाता है।
उसके अलावा कुछ कुछ प्रोसीजर है कि आप अरेस्ट कैसे करेंगे, अगर कुछ भी फॉरेस्ट ऑफेंस होता है तो अरेस्ट कैसे करेंगे उसको, या फिर जो जिस चीज को यूज करके, व्हीकल्स को यूज करके यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है तो उसको हम सीजर या कॉन्फिस्केट कैसे करेंगे, यहाँ पे कंपाउंडिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो ये सब जो प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन ट्रायल वगैरह का, तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को भी डील किया गया है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 41-42, जिसमें आप ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे 41 के तहत क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है रूल्स बनाने का कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रांजिट को कैसे गवर्न करना है, और उसका वायलेशन होता है तो 42 के तहत सजा होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब जैसे एक आपने पढ़ा होगा कि बैम्बू जो है ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे जो डेफिनेशन होता है हर एक्ट के सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होता है, तो उसमें जैसे आप डेफिनेशन देखेंगे, सातवां डेफिनेशन ट्री, ट्री इंक्लूड्स पाम्स स्टम्स ब्रसूट्स एंड केन्स। केन्स अभी भी ट्री है, लेकिन यहाँ पे जो डैश 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 2017 के अमेंडमेंट के बाद बैम्बू को यहाँ से हटा दिया गया, तो बैम्बू इज नो लॉन्गर ए ट्री। लेकिन ये केवल जो इफेक्टिवली ये नॉन फॉरेस्ट एरिया के लिए एप्लीकेबल हो पाएगा, फॉरेस्ट एरिया में स्टिल बैम्बू विल बी ए ट्री। और उसके अलावा अभी आप देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस पर्टिकुलर एक्ट का। तो अब ये शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ये पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल है, वेरियस स्टेट्स ने अमेंडमेंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन को क्लॉज में देखेंगे, यहाँ पे कैटल है, कैटल इंक्लूड्स एलिफेंट्स कैमल्स बफेलोज, ये सब इंक्लूड्स मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये सब इंक्लूडेड है। इसका मतलब कि जनरल डेफिनेशन कैटल में काउ बफेलो तो होंगे, तो होते ही है, उसके अलावा ये भी है। इंक्लूड्स मतलब ये भी होंगे, और मीन्स मतलब कि इतने ही होंगे। जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर मीन्स, तो मतलब ये जो डेफिनेशन है इसमें जो अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होगा। और कैटल के आगे क्या लिखा, इंक्लूड्स के आगे है, इसका मतलब ये भी है और इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। ये मीन्स लगाने के बाद जो ये डेफिनेशन होता है वो एग्जॉस्टिव हो जाता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए, फॉरेस्ट ऑफेंस तो एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यहाँ पे एक रिमार्केबल चीज यहाँ पे ये है डेफिनेशन में कि कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, चारकोल, वेदर फाउंड इन और ब्रॉट फ्रॉम अ फॉरेस्ट और नॉट, वो फॉरेस्ट से लाया गया है नहीं लाया गया फर्क नहीं पड़ता है, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही होगा। टिम्बर अगर इवन आप बाहर के पेड़ से भी काट लेंगे लकड़ी, तो वो टिम्बर भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ये फॉरेस्ट से लाया गया है कि नहीं लाया गया है। और कुछ कुछ है जो अगर फॉरेस्ट से लाया गया तभी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, जैसे द फॉलोइंग वेर फाउंड इन और ब्रॉट फ्रॉम फॉरेस्ट, जैसे आपका पीट, सरफेस रॉक, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब अगर फॉरेस्ट से लाया गया तभी ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और टिम्बर कहीं से भी लाया गया, फॉरेस्ट से लाया गया चाहे फॉरेस्ट के बाहर से भी लाया गया, तो भी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। उसके अलावा आपका यहाँ पे डेफिनेशन, और यहाँ पे ट्री के डेफिनेशन में बैम्बू को हटा दिया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये मेनली गवर्नमेंट इसलिए की थी कि एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा स्टेट अमेंडमेंट वगैरह। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट में प्रक्रिया क्या होती है आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 20 तक की कहानी। इसमें होता क्या है कि सेक्शन 4 के तहत क्या होता है, गवर्नमेंट पहले नोटिफाई करती है, ये बताती है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया को हम रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करेंगे, और उस ये बताने के बाद क्या होता है कि प्रोसेस स्टार्ट होता है। हो सकता है उस एरिया में कुछ लोग रहते होंगे। अब जो एरिया को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है, वेस्ट लैंड भी हो सकता है। अब जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है तो हो सकता है कि वहां पे पहले कुछ लोग रहते होंगे, तो उनकी कुछ राइट्स होगी वहां पे, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते होंगे, कुछ कुछ चीजें करते होंगे अपने लाइवलीहुड्स के लिए, तो उनकी लाइवलीहुड्स नेगेटिवली अफेक्ट ना हो तो उनके लिए एक प्रोसेस होता है कि अब क्या होगा कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली 3 ऑफिसर्स तक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर होगा मैक्सिमम और 2 नॉन फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे, और वो प्रोक्लेम करेंगे कि इस एरिया को गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना है। उसके बाद काफी लोग आएंगे कि नहीं नहीं इस एरिया में मेरी ये राइट्स है, मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता हूँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री करता हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूँ। तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर इंक्वायरी करेगा क्या वो सही में इतने सालों से रह रहे हैं, क्या वो सही में उनका जो लैंड जिसपे वो रह रहे हैं उनका वो लीगली एक्वायर्ड लैंड है, तो ये सब चीजें वो इंक्वायर करेगा।
उसका इंक्वायर करने के दौरान कुछ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की कुछ पावर्स होगी। जनरली वो पावर्स पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट होती है। पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट क्या हुई, किसी को वो बुला सकता है, समन कर सकता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी ऑफिस से वो मंगवा सकता है। उसके बाद फाइनली वो अपना डिक्लेरेशन सुनाता है कि नहीं नहीं कि इन लोगों को ये राइट्स मिलेगी, इन लोगों की ये राइट्स लीगली नहीं है, लीगली साउंड नहीं है, नहीं मिलेगी। तो वो अपना वो डिसीजन सुनाता है। हाँ, हालांकि वो डिसीजन अपील करने का भी मैकेनिज्म होता है कोर्ट्स में, तो कुछ लोगों की राइट्स बरकरार रहेगी इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ लोगों की राइट्स जो होगी वो उनका एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स हो जाएगा, और हो सकता है कि वो लोग फिर जाके अपील करें कोर्ट्स में तो उनकी राइट्स उनको वापस मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं हो सकता है। अगर फॉरेस्ट जो सेटलमेंट ऑफिसर है वो बोले कि हाँ कुछ लोग हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ही आश्रित है काफी टाइम से हैं और उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की इस हैबिट को कंटिन्यू अलाउ करना है, ऐसा लिखता है स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी अलाउड होगा रिजर्व फॉरेस्ट में। और आज भी कई स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस चलती है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना है तो अब तो नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया, तो उस समय जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 उसके तहत ही होगा। उसके बाद फाइनली आप देख लेंगे इतना जो प्रोसेस हो गया, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर पहले प्रोक्लेम करेगा कि अच्छा ये एरिया आपका डिजिग्नेट किया जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। उसके बाद काफी लोग क्लेम करेंगे राइट्स, उनके राइट्स को फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर सुनेगा, फिर अपना फाइनली डिसीजन मेकिंग करेगा कि हाँ कुछ की राइट्स को अलाउ करेगा, कुछ की राइट्स को अलाउ नहीं करेगा, और फाइनली सेक्शन 20 के तहत स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देंगी कुछ फॉरेस्ट को एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो पहले सेक्शन 4 के तहत कर रहे थे, तो उसमें क्या कि इंटेंशन को नोटिफाई किया गया, वो नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन वहां पर लोगों की राइट्स को एक लीगल बैकिंग नहीं मिली है। लेकिन अब जब सेक्शन 20 के तहत नोटिफाई होगा तो कुछ लोगों को लीगल बैकिंग मिलेगी, और फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को लगता है कि हाँ कुछ लोगों के राइट्स लीगली साउंड नहीं है, और तो उन लोगों की राइट्स को वो कम्यूट कर सकता है। उसके अलावा फाइनली सेक्शन 20 के तहत रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो अब ये इतना में यूपीएससी अब स्पेशल प्री या मेंस में उतना यूजफुल नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है आपका यहाँ पे होता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 में कुछ भी जो ऑफेंस है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मेजर मेजर जो ऑफेंस क्या क्या है कि आप कोई फ्रेस क्लियरिंग कर रहे हो, या फिर आप सेट्स फायर टू अ रिजर्व फॉरेस्ट, या फिर किंडल्स और कीप्स कैरीज एनी फायर। उसके अलावा आप ट्रेसपास कर रहे हो, विदाउट परमिशन भी घुसना मना होता है। उसके अलावा आप कुछ डैमेज कर रहे हो बाय नेग्लिजेंस भी। उसके अलावा आप कोई लकड़ी काट रहे हो, गर्डलिंग कर रहे हो। गर्डलिंग मतलब क्या होता है कि जालिम चारों तरफ सर्किल में उसको काट देते हैं और उसका जालिम फ्लोएम का कनेक्शन कट जाता है, धीरे धीरे पेड़ जो होता है मर जाता है। उसके बाद आप क्वेरिंग वगैरह इलीगल माइनिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर आप कुछ क्लियर रहे हो ब्रेक्स अप एनी लैंड फॉर कल्टिवेशन और एनी अदर पर्पस, तो ये इंक्रोचमेंट एक्चुअली हुआ, तो ये सब आप कर रहे हो। या फिर अभी भी एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कुछ कुछ स्टेट्स में लागू है, तो आप उसका भी अगर जहां पे अगर लागू नहीं है तो वहां पे अगर एलिफेंट को कैच कर रहे हो तो भी उस केस में आप ये। और फिर उसके अलावा आप कोई फिश या फिर ट्रैप्स या स्नेयर्स सेट करते हो, जिससे यहाँ पे पोचिंग वाली बात हुई। पोचिंग को आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कवर कर सकते हैं, वहां भी पनिशमेंट मिलता है, इस एक्ट के तहत भी दे सकते हैं। तो इसमें जनरली जो पनिशमेंट होता है ये डेट में एक्सटेंड टू 6 months, ज्यादा पनिशमेंट इसमें नहीं है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। लेकिन हाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिशन से आप अंदर जा रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज अलाउड। या फिर फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो जो राइट्स आपको दे रखा है ड्यूरिंग नोटिफिकेशन, तो वो अगर एक्टिविटी आप कैरी ऑन करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल नॉट बी ऑफेंस। और फिर उसके अलावा आप स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डी रिजर्व कर सकता है कुछ रिजर्व फॉरेस्ट को। लेकिन अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने के बाद अगर डी रिजर्व करना है कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को, आपको डी रिजर्व करना है कि अब ये बोलना कि अब वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं रहेगा, यू नीड द नॉड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें कुछ नहीं पढ़ी है, तो एटलीस्ट आप सेक्शन 2 पढ़ लीजिए, जिसमें 4 कंडीशन है, जिसमें ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर 4 चीजें करनी है, ये 4 चीजें, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। आपको रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना है, आपको फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज करना है, आपको फॉरेस्ट को क्लियर करके फिर से रीअफॉरेस्टेशन करना है, या फिर आपको फॉरेस्ट को लीज देना है किसी प्राइवेट प्लेयर को, तो इन सब में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट को विलेज फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, और वो जो
अब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, तो वहां पे विलेज कम्युनिटीज गवर्न करेगी, उनके पास राइट्स आ जाएंगी उस फॉरेस्ट से रिलेटेड। और हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि हाउ दीज विलेज कम्युनिटीज विल गवर्न द विलेज फॉरेस्ट। और यहाँ पे भी हाँ, जो सेक्शन 26 जो आपका लगता है जो विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस इन रिजर्व फॉरेस्ट, वो आपका विलेज फॉरेस्ट में भी लगेगा। उसके अलावा सेक्शन 29 है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 29 और 30 के तहत डिक्लेयर किया जाता है, तो किसी भी फॉरेस्ट लैंड या फिर वेस्ट लैंड को डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 30 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ कुछ एक्टिविटीज को वो प्रोहिबिट कर दे। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और सेक्शन 32 देखेंगे तो इसमें क्या है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और 33 ये बोलता है कि जो भी रूल्स बनाया जाएगा उसका अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कुछ पनिशमेंट मिलेगा, डेट विल गो अप टू 6 months। तो उसमें ज्यादा पनिशमेंट नहीं है। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो पनिशमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट 7 years तक है, लेकिन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉरी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है डेट इज 6 months। हाँ, कुछ स्टेट्स में अमेंडमेंट हो चुके हैं, जैसे झारखंड में तो मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 2 years है। 2 years भी हो गया, दैट मीन्स ऑल्सो वो एक पीटी क्राइम है। पीटी क्राइम के डेफिनेशन में 3 years तक कवर किया जाता है। और उसके अलावा जो अब आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 41 और 42 है। 41 और 42 ये है कि ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे लकड़ी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अगर जंगल में कुछ माइनिंग हो रही है तो वो भी आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके ट्रांजिट से रिलेटेड, उसके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपको ट्रांजिट परमिट लेना पड़ता है, तभी उसका आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अगर उसका ट्रांजिट परमिट नहीं लेते हैं दैट इज इलीगल। तो आप इससे रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं ट्रांजिट परमिट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 42 के तहत, पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ रूल्स मेड अंडर सेक्शन 41। तो इसमें जहां भी रूल्स बनाता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाता है, आप आंख मूंद करके कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स नहीं बनाता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स बनाने का बस एक ही जगह प्रावधान है पूरे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, दैट इज 41A। उसमें क्या है कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है कंट्री में कुछ भी टिम्बर, तो उस केस में जो आप रूल्स बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। बस एक ही जगह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता है रूल्स बनाने का। उसके अलावा जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका 52। तो आप कोई भी अगर जैसे फॉरेस्ट ऑफेंस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ व्हीकल्स का यूज किया गया होगा तो, या कुछ भी और भी प्रॉपर्टी का यूज किया गया होगा तो उसको सीज किया जाता है। तो उस प्रोसेस ऑफ सीजर एंड कॉन्फिस्केशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में डील किया गया है। तो यहां पे किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो सीज कर सके। उसके बाद वो सीज करने पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कुछ मार्क लगाता है और उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इंटीमेट करता है। कुछ कुछ स्टेट्स में अपने स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है, तो हर स्टेट के अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना यहाँ पे जरूरी नहीं है। उसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 64 जो आपका जो सेक्शन है दैट इज अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है दैट इज अरेस्ट विदाउट द वारंट, तो ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जितने भी ऑफेंस आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत है दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट। एनी फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर में विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हैविंग बीन कंसर्न्ड इन एनी फॉरेस्ट ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 month और अपवर्ड्स। और 68 के तहत कंपाउंडिंग की जा सकती है। और जो 64A में जो है यहाँ का आपका स्टेट अमेंडमेंट किया गया, तो कुछ स्टेट में ये कुछ चीजों को बेलेबल बता दिया गया है, कुछ चीजों को नॉन बेलेबल बता दिया गया है। अब इसमें देख लेंगे कि जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें कुछ भी बेलेबल नॉन बेलेबल का कैटेगराइजेशन नहीं है। जब वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के जो अमेंडेड एक्ट्स आप देखेंगे तो उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ऑफिसेस को बेलेबल बना दिए हैं, कुछ ऑफिसेस को नॉन बेलेबल बना दिए हैं। उसके अलावा जो 68 है वो आपका जो पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में डील किया गया है।
उसके अलावा जो आपका यहाँ पे, हाँ, कैटल जो ट्रेसपास एक्ट है वो भी अप्लाई होगा। और 71 में तो ये, अगर ये सब कैटल आते हैं तो इतना इतना फाइन्स होगा, तब ये बहुत ही पुराना हो गया कि अगर आपको एक बुफेलो का आप इलीगली मिलते हैं वहां पे अगर ग्रेजिंग करते हुए, तो आपका 2 रुपए का फाइन पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही रेट कम है, काफी पुराना है, इसको अमेंडमेंट की जरूरत है। और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कुछ पावर्स दे सकती है, तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना दिया है। 76 फर्दर फिर बोलता है कि एडिशनल पावर्स टू मेक रूल्स, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ट्रेड नहीं कर सकते हैं टिम्बर में, तो ये 75 स्पेशली ये बोलता है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स नॉट टू ट्रेड। उसके बाद द रूल्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, ये 78 स्पेसिफिकली बोलता है। और फिर पर्सन्स आर बाउंड टू असिस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर, ये आपका सेक्शन 79 बोलता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। इसमें जो ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल होता है। तो समरी ट्रायल की आप जो, 4 तरह का बेसिकली ट्रायल होता है इंडियन जुडिशरी में। एक होता है समन्स ट्रायल, एक होता है आपका वारंट्स ट्रायल, मतलब समन्स केस और वारंट्स केस, तीसरा आपका हो गया समरी ट्रायल। तो इसमें समरी ट्रायल होता है। चौथा जो होता है वो आपका होता है प्ली बार्गेनिंग। बाद बाकी जो नीचे जो सेक्शन से आपका, ये यूपीएससी के एंगल से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारे आपके सेक्शंस हो गए, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि आप 26 आपका रिजर्व फॉरेस्ट रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, 32, 33 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, विलेज फॉरेस्ट रिलेटेड 28 इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा सेक्शन 41, 42 इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा फिर सेक्शन 52, 64 और 68 इम्पोर्टेंट है। तो ये सेक्शंस को आप खुद से रीड कर सकते हैं, तो आपको एक कंप्रिहेंसिव व्यू मिल जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट का। और टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, तो उसने कहा था कि जितने भी सारे फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो कैंप एक्ट, सबको कॉम्बाइन करके एक वॉल्यूमिनस एक्ट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट। तो ठीक है, अब इसके अलावा जो मेजर प्रोविजंस है इस पर्टिकुलर एक्ट के हैं कि नोटिफाई फॉरेस्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, सबके डेफिनेशन को मैंने बता दिया। जो ऑफेंसेस हैं रिजर्व फॉरेस्ट रिलेटेड वो 26 में डील करते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिलेटेड 32, 33 में डील होता है। जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन ट्रायल का वो 52, 64, 68 के इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 52 है कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड ऑफ प्रॉपर्टी, और 64 है अरेस्ट से रिलेटेड, 68 कंपाउंडिंग से रिलेटेड है। और ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो टिम्बर हो गया या फिर माइंस एंड मिनरल्स फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसके ट्रांजिट से रिलेटेड सेक्शन 41, 42 डील करता है कि आपको ट्रांजिट परमिट लेना होगा फॉर द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यानी डी एक अलग से लग गया, वो नहीं होगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा केवल। और ये 41 के तहत स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं, और 42 ये बोलता है कि अगर वो जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स है, ट्रांजिट रूल्स है, वो वायलेट होता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे इशूज क्या क्या है कि पहली बात है कि यहाँ पे फॉरेस्ट ही डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लग जाता है, लेकिन जो कुछ डीम्ड फॉरेस्ट है, एनी फॉरेस्ट अपार्ट फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो वहां पे एक्ट नहीं लग पाता है। जैसे बहुत ही तरह की लैंड होती है, हर स्टेट में अलग अलग कहते हैं, जैसे झारखंड में उसको जीएम जंगल झाड़ वगैरह कहे, तो वहां पे आपका आईएफए नहीं लग पाता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं लग पाता है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो गोदावरमन जजमेंट है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट फॉरेस्ट को डिफाइन करता है काफी कंप्रेहेंसिव वे में करता है कि वी विल गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गोदावरमन जजमेंट में। लेकिन अब देखेंगे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें भी जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसमें डीम्ड फॉरेस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे आपके डीम्ड फॉरेस्ट पे मतलब एनी फॉरेस्ट अपार्ट फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वहां पे आप इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत क्या है कि क्लियर कट ये नहीं बोलता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा, हु विल फाइल द चार्जशीट, और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको सिविल कोर्ट की पावर भी नहीं दी गई है इस एक्ट के तहत कि वो सही से इन्वेस्टिगेशन कर ले। सिविल कोर्ट की पावर होना मतलब कि आप किसी इंसान को समन कर सकते हो कि आपके वो सामने हाजिर होगा फॉर क्वेश्चनिंग और इंटरोगेशन, या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते हो किसी अथॉरिटी से, तो डायरेक्टली वो पावर्स नहीं दी गई है, सीआरपीसी की पावर्स को यूज करना पड़ता है। अब बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है वो भी ऑफेंसेस, ये भी क्लियर कट नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो
और उसके अलावा जो आप देखेंगे काफी पुराना एक्ट हो चुका है, पनिशमेंट मैक्सिमम 6 months है, तो उसको बढ़ाने की भी जरूरत है कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए। कंपाउंडिंग जो मैक्सिमम कर सकते हैं 50 रुपए तक ही कर सकते हैं, तो इसको भी लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। और कुछ स्टेट्स ने तो इस लिमिट को डेफिनेटली बढ़ाया है, लेकिन एक नेशन वाइड ये चेंजेस करने की जरूरत है। उसके अलावा प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट वो भी क्लियर नहीं है। जैसे अब आप देखेंगे सीआरपीसी के जो सेक्शन 41A होता है वो अरेस्ट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे बस लिखा गया अरेस्ट विदाउट वारंट, लेकिन कौन कंप्लेन करेगा अगर लेट से अरेस्ट भेजने के लिए नोटिस भेजना है कि नहीं भेजना है, ये सब जो प्रोसीजर होता है इस पर्टिकुलर एक्ट में क्लियरली नहीं लिखा गया है। तो ये 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। उससे पहले आप 1865 और 1878 में भी फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था, उसके बाद ये 1927 का फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था जो अभी भी फॉलो होता है। काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बाद फॉरेस्ट रिलेटेड जो 3 और एक्ट्स आए हैं, एक आपका आ गया इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया 1980 का, फिर आ गया आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का, और फिर आ गया आपका कैंपा 2016 का। तो बाद बाकी एक्ट्स को भी डील करेंगे, पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया आपका, या फिर आपका कैंपा हो गया, या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दिस